सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ब्रह्मपुर को स्वच्छ ओडीएफ और प्लास्टिक फ्री बनाने का इतना जिम्मेदार कदम उठाया है। मुझे ब्रह्मपुर आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आने से पहले थोड़ा सा डाउट था, बट यहाँ आके देखा तो मुझे यकीन हो गया कि ब्रह्मपुर किसी भी मामले में कोई भी और शहर से पीछे नहीं है। तो फिर स्वच्छता और ओडीएफ के मामले में पीछे नहीं है। खुले में शौच करने में सबसे ज्यादा जो तकलीफें होती है वो हम सभी को होती है, बट औरतें, महिलाएं और लड़कियां इसकी सबसे ज्यादा शिकार होती है, क्योंकि शौचालय ना होने के कारण जब उन्हें शौच के लिए जाना होता है तो या तो वो सूरज उगने से पहले या सूरज ढलने के बाद के समय का इंतजार करती है ताकि वो अपना ये काम अंधेरे में कर सके, जिस वजह से वो काफी सारी दुर्घटनाओं और बीमारियों की शिकार हो जाती है, जैसे कि कईयों को सांप काट लेता है। और मैं नहीं जानती कि यू नो खुले में शौच करना अपनी जान से ज्यादा प्यारा कैसे अभी तो मैंने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देखा ब्रह्मपुर के फेमस प्रिंस डांस ग्रुप का, जिसने पूरे इंडिया में अपना नाम रोशन किया है। मुझे बड़ी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि हम जिस तरीके से बेतहाशा बेपरवाह प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए, हमारी जननी, हमारी जो भारत, हमारी जो धरती है, हमारा जो मेहमान है, उसके लिए कितना हानिकारक है। और इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि प्लीज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद करें। अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, पीएमसी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, बट बिना आपकी सहायता के वो ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी, यही प्रार्थना करूंगी कि प्लीज ब्रह्मपुर को स्वच्छ रखें, प्लीज अपने जिम्मेदारियों को समझे, प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद करें, खुले में शौच करना बंद करें। जब मैं यहाँ पे अगली बार आऊंगी आई थिंक अक्टूबर या 2 अक्टूबर से पहले, मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आप प्लास्टिक का यूज करना बंद कर दें, खुले में शौच करना बंद कर दें, ताकि मुझे ये जान के खुशी हो कि मैं मेरे यहाँ पे आना सफल हुआ, आप लोगों ने मेरी बात मानी, मेरी बात मान के आप लोगों ने और भी एफर्ट्स किए अपने ब्रह्मपुर शहर को जो ऑलरेडी इतना खूबसूरत है और खूबसूरत बनाने के लिए। तो आज मैंने यहाँ पे आके अपना फर्ज निभाया है एक भारतीय नागरिक होने का, कोशिश की है कि जो मेरी बात है वो आप तक पहुँच सके। और मैं बस यही प्रार्थना करूंगी और मैं ये आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक साबित हो और प्लीज अपने शहर का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।